हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान रिलेटेड 30 प्लस इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चंस, जिसमें होने वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ये कुछ मिक्स क्वेश्चंस आप लोगों को आज की ये सेशन में देखने मिलेंगे। सारे क्वेश्चन जो है वो आपकी आने वाली एग्जामिनेशन RUVNL JN के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ये सेशन आपको कंप्लीट एंड तक के देखना होगा। इसके पहले आप लोगों को जो करंट अफेयर का सेशन मिला फ्रॉम द मंथ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर, आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा। अगर आप नहीं देखा होगा तो आप आई बटन पर क्लिक करके आफ्टर दिस वीडियो ये वो वीडियो कर जरूर देख सकते हो। आप लोगों को जो वीडियोज मैंने रिकमेंड किए कि आप लोगों को प्लेलिस्ट जो है वो फॉलो करनी होगी, जो मैंने डाली थी राजस्थान के AN एग्जामिनेशन के लिए, वो आप फॉलो कीजिए क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपकी एग्जामिनेशन के लिए। अगेन आपको करंट अफेयर के लिए मैंने बताया कि करंट अफेयर के लिए जो वीडियोज मैंने डाले हुए हैं वो करंट अफेयर्स के सारे वीडियोज आप देख लीजिए। आपको आने वाले डेज में और भी इंपॉर्टेंट सेशंस मिल रहे हैं तो उसके लिए आपको चैनल पे जो है वो कनेक्टेड रहना होगा। अगर इंडियन हिस्ट्री का अगर कुछ जनरल अवेयरनेस चाहते हो जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो तो उसका एक कंप्लीट ई बुक जो है वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इफ़ यू वांट आप वहाँ से परचेज कर सकते हो flat50 का कोड लगाकर। सो आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द संप सभा। संप सभा को किसने फाउंड किया था? आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी, इन्होंने संप सभा को फाउंड किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन MLA ऑफ राजस्थान। राजस्थान की पहली वुमेन MLA जो है वो कौन थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यशोदा देवी, जो है वो पहली वुमेन MLA थी राजस्थान की। इसके अलावा जो भी सारे फर्स्ट थे राजस्थान में अपॉइंट हुए उसका एक अलग से वीडियो जो है वो चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी फर्स्ट अपॉइंट हुए वो सारे उसमें मैंने इंक्लूड किए। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिचोला लेक वॉज बिल्ट इन -AD। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1362 AD को पिचोला लेक जो है वो बिल्ट किया गया। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश। RTDC कब एस्टैब्लिश हुआ राजस्थान में? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सो आंसर हो जाएगा 1979। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये एक एजेंसी है राजस्थान गवर्नमेंट की, जो कि सेटअप हुई थी 1 अप्रैल 1979 को टू डेवलप द टूरिज्म इन इंडियन स्टेट। ठीक है, एंड राजस्थान का जो स्लोगन है ना वो है पधारो मारे देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच डिरेक्शन ऑफ राजस्थान थार डेजर्ट इज लोकेटेड। राजस्थान के में थार डेजर्ट जो है वो कौन से डिरेक्शन में लोकेटेड है? सो वो है वेस्ट में। अगर इंडिया में पूछा गया सो आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। द थार डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इज अ लार्ज एरिड रीजन इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट कवर्स एन एरिया ऑफ 2 lakh km² एंड फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इट इज़ अ वर्ल्ड्स 20th लार्जेस्ट डेजर्ट एंड वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट हॉट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। सो थार डेजर्ट जो है जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, ये एक लार्ज एरिड रीजन का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है इंडिया के, जो कि 2 lakh km² का एरिया जो है वो कवर अप करता है। ठीक है, ये फॉर्म करता है एक नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये वर्ल्ड का 28th लार्जेस्ट डेजर्ट है एंड वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट भी है। इसके अलावा और क्या ध्यान में रखना होगा आपको कि 85% ऑफ द थार डेजर्ट पोर्शन जो है वो इंडिया में आता है एंड 15% पोर्शन जो आता है थार डेजर्ट का वो पाकिस्तान में आता है। द थार डेजर्ट इज अबाउट 4.56 ऑफ द टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का 4.56% जो है वो थार डेजर्ट का पोर्शन है। मोर देन 60% ऑफ द डेजर्ट लाइज इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान। क्या बोला जा रहा है कि 60% से ज्यादा पोर्शन जो है वो राजस्थान में ही कवर होता है एंड द डेजर्ट स्ट्रेचेस टू पंजाब, हरियाणा इन नॉर्थ, द ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात अलोंग द कोस्ट एंड द एलुवियल प्लेन ऑफ द इंडस रिवर इन द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। मतलब कि जो 60% से ज़्यादा पोर्शन कवर अप होता है वो राजस्थान में होता है एंड उसके अलावा जो पोर्शन है वो पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात, इन 3 स्टेट्स में जो है वो स्ट्रेच होता है। ठीक है, द पोर्शन इन पाकिस्तान एक्सटेंड इन टू द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड पंजाब, द पोर्शन इन द लैटर प्रोविंस इज रेफर टू एज अ कोलिस्तान डेजर्ट। सो जो पोर्शन राजस्थान में एक्सटेंड होता है इन द प्रोविंस ऑफ
सिंध एंड पंजाब प्रोविंस में जो है बचा हुआ जो पोर्शन है 15% वो सिंध एंड पंजाब प्रोविंस में एक्सटेंड होता है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अबाउट थार डेजर्ट जो है वो ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के वेस्ट में जो है वो पाकिस्तान का कौन सा प्रोविंस है, मतलब कि कौन सा प्रांत है। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंध। आप देख सकते हो ये राजस्थान है। ठीक है, और राजस्थान के वेस्ट में पूछा जा रहा है, सो वेस्ट में आप देख सकते हो ये सिंध जो है वो राजस्थान के वेस्ट में आता है। सो पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है, सिंध प्रांत है, वो राजस्थान के वेस्ट में आता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज़ द जयपुर स्टेट फॉर्म्ड। जयपुर स्टेट कब फॉर्म्ड हुआ, 30th of March 1949 को। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द शॉर्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीरालाल देवपुरा जो है वो शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने थे। एंड अगर लॉन्गेस्ट सर्विंग पूछा गया सो आंसर विल बी मोहनलाल सुखाड़िया। वो बने थे, वो सबसे ज़्यादा टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं राजस्थान के, 12 years 120 days के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन इंडिया। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया 85% ऑफ द एरिया जो है थार डेजर्ट का वो इंडिया में है एंड 15% जो है वो पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ओनली पर्सन फ्रॉम राजस्थान टू सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बोला जा रहा है कि राजस्थान के ऐसे कौन से इकलौते पर्सन जो थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट बने इंडिया के। सो वो थे भैरव सिंह शेखावत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इकलौते वाइस प्रेसिडेंट थे राजस्थान से। ठीक है, ये राजस्थान के 8th चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भैरव सिंह शेखावत जो है वो 11th वाइस प्रेसिडेंट बने थे हमारे इंडिया के फ्रॉम द 2002 से लेकर 2007 तक के। ठीक है, एंड इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि प्रतिभाताई पाटिल जो थी वो भी हमारी इंडिया की प्रेसिडेंट रह चुकी है। ठीक है, वो 2007 से 2012 में हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट थी, 12th प्रेसिडेंट बनी थी वो इंडिया की प्रतिभाताई पाटिल जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा विच रिवर ओरिजिनेट्स इन हरियाणा एंड डिसअपियर्स इन थार डेजर्ट। कौन सी इनमें से रिवर जो है जो कि हरियाणा में ओरिजिनेट होती है एंड थार डेजर्ट में डिसअपियर हो जाती है। तो वो है घाघर रिवर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घाघर रिवर इज राइजेस इन द शिवालिक रेंज इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश स्टेट एंड फ्लोज अबाउट 200 miles 320 kilometers साउथ वेस्ट टू हरियाणा स्टेट वेर इट रिसीव सरस्वती रिवर एंड इट इवेंचुअली ड्राइज अप इन ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट। ठीक है, सो ये जो है घाघर रिवर ये शिवालिक रेंज नॉर्थ वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश से जो है वो फ्लो होती है हरियाणा से होते हुए सरस्वती रिवर को होते हुए वो ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट में जो है वहाँ पर वो ड्राई हो जाती है। ठीक है, लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर इन द थार डेजर्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। लूनी ये लार्जेस्ट रिवर है थार डेजर्ट में। इट ओरिजिनेट्स इन द पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज नियर अजमेर पासिस थ्रू द साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द थार डेजर्ट एंड एंड्स इन द मार्शी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 495 किलोमीटर। सो लूनी रिवर ये लार्जेस्ट रिवर है थार डेजर्ट की। ये ओरिजिनेट होती है पुष्कर वैली अरावली रेंजेस से नियर अजमेर से पास ऑन होती है थ्रू थार डेजर्ट्स ये जाती है एंड ये जो एंड अप होती है ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में एंड होती है आफ्टर ट्रैवलिंग ऑफ 495 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा विच नेशनल पार्क इज बाउंडेड टू द साउथ बाय द बानस रिवर एंड चंबाल रिवर टू द साउथ। क्या बोला जा रहा है इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि नॉर्थ में बानस रिवर से बाउंडेड है एंड साउथ में चंबाल रिवर से बाउंडेड है। सो वो है रणथंबोर नेशनल पार्क जो कि सवाई माधोपुर में सिचुएटेड है। सो नॉर्थ में ये बानस रिवर से बाउंडेड है मतलब कनेक्टेड है एंड साउथ में ये चंबाल रिवर से कनेक्टेड है वो है रणथंबोर नेशनल पार्क। सो इसके अलावा राजस्थान में कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि जैसलमेर बाड़मेर में है, केवलादेव नेशनल पार्क जो कि भरतपुर में है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो कि कोटा में है एंड सारिस्का नेशनल पार्क जो कि अलवर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2021। सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क वर्ल्ड का एज ऑफ 2021 कौन सा है। सो वो है भाडला सोलर पार्क।
भाडला सोलर पार्क जो है, जो कि 14,000 एकड़ में जोधपुर में लोकेटेड है और वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क है एज ऑफ 2021। ठीक है, इंडियाज भाडला सोलर पार्क इज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड। भाडला सोलर पार्क इज लोकेटेड इन भाडला और ड्राई एंड सैंडी रीजन इन राजस्थान, स्पैन्स 40,000 एकर। देर आर 10 मिलियन सोलर पैनल्स एट द पार्क विच कॉन्ट्रीब्यूट टू एन ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ 2,245 मेगावाट। सो यहाँ पे जो पैनल लगे हैं वो 10 मिलियन सोलर पैनल लगे हैं इस पार्क में, जो कि जिनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी जो है वो है 2,245 मेगावाट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली टू मुंबई वाया जयपुर। इनमें से कौन सा हाईवे जो है जो दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करता है वाया जयपुर, तो वो है NH-48। पुराना जो था वो NH-8 हुआ करता था, बट अब वो जो अपडेटेड है वो है NH-48। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द जयपुर मेट्रो बिगिन इट्स ऑपरेशन। जयपुर मेट्रो ने अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट किया, तो वो है 3rd of June 2015 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया टू रन ऑन द ट्रिपल स्टोरी एलिवेटेड रोड। इनमें से कौन सा फर्स्ट मेट्रो है इंडिया का जो कि ट्रिपल स्टोरी एलिवेटेड रोड पे रन हुआ। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी अर्बन लोकल बॉडीज आर इन राजस्थान। राजस्थान में अर्बन लोकल बॉडीज कितनी है, तो वो है 152। सो इसके साथ साथ क्या ध्यान में रखना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं, 10 है। म्यूनसिपल काउंसिल्स कितनी है, 34 है। एंड म्यूनसिपल बोर्ड्स एंड नगर पंचायत, जिसे नगर पंचायत कहा जाता है, वो है 152। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द बुक एक दुनिया महारी कलेक्शन ऑफ राजस्थानी शॉर्ट स्टोरी। सो एक दुनिया महारी ये जो बुक है इसको लिखा गया था सनवर दैया के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सनवर दैया ने एक दुनिया महारी ये बुक को जो है लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ राजमहल टेक प्लेस। राजमहल का जो बैटल है वो कब हुआ था, 1747 में हुआ था राजमहल का बैटल। ईश्वरी सिंह ऑफ जयपुर डिफिटेड अ कोलिशन ऑफ आर्मीज लेड बाय जगत सिंह ऑफ मेवाड़। सो ईश्वरी सिंह ऑफ जयपुर के जो थे ये ईश्वरी सिंह, इन्होंने डिफिट किया था जगत सिंह जो कि मेवाड़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये 1747 में ये बैटल हुआ था। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट बैटल्स है ये नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए गिवन है। बैटल ऑफ जालोर जो कि 1310 से 1311 तक चला, बैटल ऑफ नागौर 1456, बैटल ऑफ अजमेर 1559, बैटल ऑफ देवार 1606, बैटल ऑफ उदयपुर 1680, बैटल ऑफ अरावली हिल्स 1680, बैटल ऑफ जोधपुर 1707, बैटल ऑफ गंगवाना 1741, बैटल ऑफ राजमहल 1747, बैटल ऑफ लूनीवास 1750, बैटल ऑफ मैंगरोल 1761 एंड बैटल ऑफ कामा जो है वो 1768 में हुआ था। सो ये डेट्स है इंपॉर्टेंट बैटल्स राजस्थान की जो आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मंथ इज बीकानेर कैमल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कौन से मंथ में जो है बीकानेर कैमल फेस्टिवल को हर साल मनाया जाता है, तो वो है जनवरी मंथ। अब आपको यहाँ पे एक थंबनेल नज़र आ रहा होगा, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जिसमें मैंने सारे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स को कवर किया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आप लोगों को इसी टाइप का एक क्वेश्चन AN के एग्जामिनेशन में देखने मिला था। ठीक है, सो इसीलिए अगर आप सारे फेयर्स एंड फेस्टिवल को चाहते हो कि कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। ये वीडियो को आप जाकर देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ माउंट आबू। माउंट आबू का एंशिएंट नेम क्या है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरबुदांचल जो है वो माउंट आबू का एंशिएंट नेम हुआ करता था। सो द एंशिएंट नेम ऑफ माउंट आबू इज अरबुदांचल। इन द पुरानास द रीजन हैज बीन रेफर्ड टू एज अरबुदान्या फॉरेस्ट ऑफ अरबुदा एंड अबू इज अ डिमिनिटिव ऑफ द एंशिएंट नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ राजस्थान टू रिसीव पद्म विभूषण अवार्ड। सो पद्म विभूषण अवार्ड हासिल करने वाले राजस्थान से पहले कौन थे, तो वो थे घनश्याम दास बिरला। इन्हें 1957 में ये अवार्ड दिया गया था, पद्म विभूषण अवार्ड। सो इसके अलावा की पॉइंट्स में क्या अवेलेबल है कि जिन्हें सबसे पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, तो वो थे विजयदन देथा। देन लिटरेचर एंड एजुकेशन में सबसे पहला पद्मश्री अवार्ड हासिल करने वाले राजस्थान से थे रतन शास्त्री। एंड सिविल सर्विसेज से कन्वर सेन को जो है वो पहला पद्म विभूषण
पद्म भूषण अवार्ड जो है वो मिला था राजस्थान से। सो यहाँ पे पद्म भूषण, पद्मश्री एंड पद्म विभूषण, ये तीन पहले हासिल करने वाले सारे लोगों को यहाँ पे कवर अप हुआ है। अगेन आप लोगों को कहना चाहूँगी, जो फर्स्ट इन राजस्थान का सेशन मैंने डाला हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें भी कवर अप हुई है। सो वो सेशन भी आप लोगों को ज़रूर देखना होगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन राजस्थान, द कृष्णा मिल बेवाड़ सेट अप। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहला टेक्सटाइल मिल राजस्थान में कृष्णा मिल बेवाड़ जो है वो कब सेटअप हुआ, वो 1889 में। बेवाड़ वाज द इंडियन टू एस्टैब्लिश अ फर्स्ट सक्सेसफुल पावर ड्रिवन कॉटन मिल इन 1854 इन राजस्थान। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल कृष्णा मिल बेवाड़ वॉज अप इन 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज द ओनली रिवर ऑफ राजस्थान दैट लाइज एंटायरली विद इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है कि जो कि पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्टेट में है, वो है बानस रिवर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर डिड द सिल्वर माइन कम आउट इन जावड। सो इनमें से कौन से रूलर थे जिनके शासन में सिल्वर माइन को जो है वो जावड़ में लाया गया था। ठीक है, सो वो थे महाराणा लक्ष्य सिंह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके तहत इनके शासनकाल में जो है सिल्वर माइन जो है वो आई थी जावड़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द पीरियड ऑफ विच रूलर ऑफ मेवाड़ इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराणा कुंभा। मेवाड़ के ये रूलर थे जिन्हें गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता था। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोर्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज कांचनगिरी। राजस्थान का कौन सा फोर्ट है जिसे कांचनगिरी भी कहा जाता है, तो वो है जालोर फोर्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की आने वाली एग्जामिनेशन के लिए। सो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो ध्यान में रखने होंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में बताया था कि आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री कल्चर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आपको जो ई बुक एप्लीकेशन में दी गई है वो ई बुक को परचेस करना होगा। फ्लैट 40 का कोड लगा के आप 40% कोड पा सकते हो। वो ई बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एंड आई होप आप लोगों को मैंने जो रिकमेंड किया कि आप लोगों को एएन के लिए जो मैंने प्लेलिस्ट डाली थी जिसमें मैंने 50 प्लस वीडियो को आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए थे, वो सारे 50 प्लस वीडियो में से आप वो वीडियोस को गो थ्रू कर रहे हो फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन आर यू विन एल जेएन, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज है एंड उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड उसी के साथ साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर उनमें से कोई भी वीडियो का आप ई बुक चाहते हो तो सारे ई बुक्स जो है वो कुछ वे के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सो आप वहाँ से वो ई बुक भी ले सकते हो। कुछ फ्री ई बुक्स भी अवेलेबल है, कुछ पेड ई बुक्स भी अवेलेबल है। आपको जो ई बुक चाहिए वो आप ई बुक ले सकते हो। इसके अलावा आपकी कोई भी डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी आके हमसे डिस्कशन कर सकते हो। अगर आप आने वाले डेज में जो वीडियोज़ चाहते हो, जो आपको चाहिए, अगर ऐसा कुछ वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।